हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी ठीक होंगे। गाइस आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाले KTM ड्यूक 250 के बारे में। गाइस आज की इस वीडियो में ड्यूक 250 का मैं कंप्लीट आप लोगों को एडवांटेज के बारे में बताने वाला हूं, प्लस डिसएडवांटेज के बारे में भी बताने वाला हूं। देखिए गाइस, इंडियन मार्केट में जहाँ तक मुझे पता है कि 250 सेगमेंट में अभी सबसे ज़्यादा खरीदने वाली जो बाइक है, आप लोग जो पसंद कर रहे हो गाइस, वो है KTM की ड्यूक 250। इसका क्या रीज़न है? देखिए, अभी जो आने वाले समय में जो लोग इस बाइक को लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या हमें यह बाइक खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में कंप्लीट मैं आप लोग को एक एडवांटेज बताने वाला हूँ KTM ड्यूक 250 का। प्लस दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि बाइक में कुछ डिसएडवांटेज भी आते हैं, वो क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरे वीडियोज अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले बात कर लेंगे बाइक के प्राइस के बारे में। प्राइस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ऑब्वियसली बात है, अगर हम कोई भी चीज़ लेने वाले हैं, खरीदने वाले, तो सबसे पहले हम अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है। दोस्तों इस बाइक के एक्सोरूम प्राइस के बारे में बात कर ले तो लगभग 2,28,928 रुपीज़, 2,28,928 रुपये के आसपास की यह बाइक आपको एक्सोरूम प्राइस देखने को मिलती है। गाइस अगर बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है गाइस, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO और इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ लगभग गाइस 2,62,000, 2,62,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों के CTN स्टेट में बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के एडवांटेज के बारे में। गाइस सबसे पहला आपको एडवांटेज मिलेगा बाइक में, वो है दोस्तों बाइक की परफॉर्मेंस। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, KTM की जो बाइक है, जिनको ड्यूक आप बोलोगे, RC बोलोगे, तो उनको उनकी परफॉर्मेंस के नाम से जाना जाता है। क्योंकि भाई आपको पता है कि मैं खुद ड्यूक 390 यूज़ करता हूँ गाइस, और मुझे पता है कि KTM का ड्यूक 390 की जो परफॉर्मेंस है, बाइक का जो इंस्टेंट पावर है, वो क्या चीज़ है। देखिए गाइस, आज के जो यंग जनरेशन बॉयज़ है, उनको चाहिए पिकअप। टॉप स्पीड उतना मैटर हमारे लिए नहीं लगता, लेकिन दोस्तों जो पिकअप होता है ना, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए किसी भी एक बाइक में। और जो यंग जनरेशन बॉयज़ होते हैं हमारे जैसे, वो उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। गाइस KTM ड्यूक 250 की जो इंस्टेंट पावर है, जी हाँ, जो मतलब थ्रॉटल रिस्पॉन्स है ना, वो आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। पिकअप में भाई KTM का कोई तोड़ नहीं है गाइस, कोई भी 250 cc की बाइक इसके 0-100 में नहीं हरा सकती। यही सबसे बड़ा बाइक का एडवांटेज है गाइस, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला आपको एडवांटेज यही मिलता है, वो है बाइक की परफॉर्मेंस पिकअप। बात करें दोस्तों नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, वो है बाइक का इंजन। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ड्यूक के इंजन में मतलब जल्दी काम आता है, प्रॉब्लम आती है, ऐसे कई लोगों के मतलब एक दिमाग में रहता है कि इंजन कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं, KTM की सभी बाइक में आपको DOSC यानी कि डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन मिलता है। गाइस KTM की जो इंजन क्वालिटी है, वो काफ़ी अच्छी आपको बाइक में मिल जाएगी। इसकी परफॉर्मेंस आपको लास्ट टाइम तक मिलती है। प्लस दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इसे मेंटेनेंस कैसे करा के रखो। अगर आप इसे अच्छी तरीके से मेंटेनेंस करा के रखोगे ना गाइस, तो बाइक की जो इंजन है वो काफी लॉन्ग लास्टिंग है, काफी दिनों तक चलती है। और एक्चुअल में दोस्तों जो ड्यूक है ना, उसकी जो इंजन है 250 की खासकर, वो काफी ज्यादा स्मूथ है, एकदम ज्यादा वाइब्रेशन लेस है। अगर आप थोड़ा सा 390 में जाते हो तो 390 में थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन फील होगा, लेकिन जो ड्यूक 250 के इसकी जो इंजन है आपको, वो काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगी। और ये चीज़ मुझे ड्यूक 250 की काफ़ी बेटर लगती है। बात करें दोस्तों नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, वो है बाइक के फीचर्स। अब देखिए दोस्तों, आजकल की जनरेशन में अगर आप देख पा रहे, जो फीचर्स है ना, वो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। चाहे आप मोपेड व्हीकल में जाओ, चाहे आप किसी बाइक में जाओ, हर एक ब्रांड अपनी बाइक में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि दोस्तों वो जो लोग हैं, जो लोग को लगता है कि भाई जिन बाइक में फीचर्स होते हैं वो बाइक ज़्यादा बेटर होती है, तो वो बाइक उनके लिए काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ड्यूक 250 में आप लोगों को काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। फुली डिजिटल मीटर बाइक में मिल जाता है, साथ में दोस्तों आपको जैसे कि सर्विस रिमाइंडर हो गया, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, साथ में डिस्टेंट टू एम्प्टी इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। फीचर्स की कोई कमी नहीं है KTM की बाइक्स में। बात करें दोस्तों नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, जो कि सबसे अच्छा एडवांटेज आपको मिलेगा, वो है बाइक की ब्रेकिंग। अब दोस्तों KTM की आप कोई भी बाइक ले लीजिए, इनमें आपको जो ब्रेकिंग मिलती है ना, वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। ड्यूक 250 में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। अब डुअल चैनल ABS है, तो ऑब्वियसली बात है कि ब्रेकिंग आपको बाइक में काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है। इस बाइक में दोस्तों फ्रंट में आप लोगों को 320 mm की प्लेट देखने को मिल जाती है, 320 mm की प्लेट
फ्रंट में यूज़ की गई है, जो कि काफ़ी बेटर प्लेट है गाइस। और मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है ब्रेकिंग होने का अच्छा, क्योंकि इसमें 4 पिस्टन कैलिपर मिलते हैं। नॉर्मल अगर आप किसी बाइक में जाओगे तो उसमें आपको 2 पिस्टन मिलेंगे या सिंगल पिस्टन मिलते हैं, बट इसमें आप लोगों को 4 कैलिपर पिस्टन मिलते हैं। इस वजह से बाइक की जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी अच्छी है। रियर में भी आपको इसमें ABS देखने को मिलेगा। इस वजह से ड्यूक का KTM की कोई भी बाइक में जाओगे तो इनकी जो दोस्तों ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाती है। बात करें दोस्तों बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, तो वो है दोस्तों बाइक का लुक। देखिए अगर हम कोई भी स्पोर्ट बाइक लेना चाहते हैं और कभी भी हम किसी शोरूम में जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइक दिखती कैसी है। अब KTM ड्यूक 250 आप लोग वीडियो में देख ही पा रहे, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है, जो कि ये इनकी ड्यूक 1290 से इंस्पायर्ड है। इसके जो हेडलाइट की लाइट की जो इसकी जो हेडलाइट का जो लुक है ना गाइस, काफ़ी यूनिक लगता है। देखिए LED है, प्लस इसका जो डिज़ाइन इन्होंने किया है काफ़ी अलग तरीके से किया है, इस वजह से बाइक का जो लुक है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है। प्लस दोस्तों KTM की एक और खास बात है, यहाँ पे दोस्तों येल्लो का जो ग्राफिक होता है ना वो काफ़ी यूनिक होता है। अगर आप इनकी ग्राफिक देखेंगे, ऑरेंज कलर में आती है, व्हाइट कलर में आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इस वजह से भी लोग इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। बात करें नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में दोस्तों, तो है बाइक की LED हेडलाइट्स। अब दोस्तों आपको पता है कि इंडियन मार्केट में अभी अगर आप किसी और ब्रांड में जाते हो, किसी भी ब्रांड में आप जाओगे, तो LED लाइट का ज़्यादा चलन है, लोग LED लाइट को ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक अभी तो मोपेड व्हीकल में भी आपको फुली LED सेटअप लाइट देखने को मिल रही है। इस बाइक में भी दोस्तों आप लोगों को फुली LED लाइट देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अगर मैं आपको बता दूँ, अगर आप नॉर्मली सिटी या हाईवे पे राइड भी करेंगे ना, तो वहाँ भी आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा फॉग लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिटी प्लस हाईवे दोनों राइड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा फॉग लाइट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो लाइट है ना गाइस वो काफी ज्यादा ब्राइट है। भाई दोस्तों बात करें बाइक के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में, तो वह है दोस्तों बाइक की कंफर्ट क्वालिटी। देखिए बाइक का जो सिटिंग पोस्चर है ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है, क्योंकि मैं खुद KTM की ड्यूक 390 यूज़ करता हूँ गाइस, मैं चला रहा हूँ, मुझे पता है बाइक कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। देखिए अगर आपको एक कम्फर्ट बाइक चाहिए तो आप लोगों को नेकेड स्पोर्ट बाइक ही लेना चाहिए। अगर आप लोगों को एग्रेसिव हैंडलिंग वाली बाइक पसंद है तो फिर आपको फेयरिंग स्पोर्ट बाइक में जाना चाहिए। देखिए KTM की ड्यूक 250 की जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल। अगर आप ज़्यादा लंबा जाते हो, जैसे अगर आप मान 100+ किलोमीटर कंटिन्यू भी चलाओगे ना, तो आपके बैक पेन शोल्डर में कोई भी पेन आपको नहीं मिलने वाला। ये खास बात है KTM ड्यूक की, किसी भी आप ड्यूक में जाओगे तो। लेकिन RC सीरीज में जाओगे तो वो कंफर्ट नहीं होती, क्योंकि वो फेयरिंग बाइक है गाइस, उसकी जो हैंडलिंग होती है वो काफी एग्रेसिव होती है। तो यहां पे दोस्तों एक बहुत अच्छा एडवांटेज आपको ये भी मिलता है कि बाइक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में बात करें दोस्तों, तो वह है बाइक के सस्पेंशन। अब आपको पता है दोस्तों KTM में जो सस्पेंशन आते हैं वो काफी ज्यादा प्रीमियम सस्पेंशन है। फ्रंट में आप लोगों को बाइक में WP के USD सस्पेंशन यानी कि अपसाइड डाउन फॉक्स आते हैं। दिस इज रियली नाइस सस्पेंशन गाइस, बहुत ही अच्छे सस्पेंशन और बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। देखिए ये जो मैं आपको एडवांटेज बता रहा हूँ ना गाइस, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद ड्यूक 390 चला रहा हूँ, तो मुझे पता है कि KTM क्या चीज़ है और क्या एडवांटेज है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाइक के जो सस्पेंशन है फ्रंट के काफ़ी अच्छे हैं। रियर में WP के मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं और रियर सस्पेंशन भी बाइक के बहुत ही अच्छे आपको बाइक में मिल जाएंगे। बात करें दोस्तों बाइक के नेक्स्ट एंड लास्ट एडवांटेज के बारे में, वो है दोस्तों फीडबैक। अब फीडबैक दोस्तों हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों अगर हम ऑनलाइन स्टोर में भी जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई लोगों ने इस चीज़ को रेटिंग कितने दिए, लोगों ने कितना पसंद किया। हमेशा हमारी ये आदत होती है कि भाई हम देखते हैं पहले कि लोगों ने इसे कितना पसंद किया, ये चीज़ हमारे दिमाग में रहती है। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप किसी से पूछते हैं ड्यूक 250 के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ हर एक इंसान आपको बोलेगा कि ड्यूक 250 काफ़ी अच्छी बाइक है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बाइक है, काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस है, प्लस काफ़ी अच्छी दिखती है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छा पावर है, सारी चीज़ें आपको ड्यूक 250 में काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगी। ये खास बात है KTM ड्यूक 250 की। सो दोस्तों ये था KTM ड्यूक 250 का कंप्लीट एडवांटेज। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो एडवांटेज है काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैंने कोई एडवांटेज छोड़ा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के डिसएडवांटेज के बारे में। अब आप लोगों को पता है दोस्तों हर बाइक में एक एडवांटेज होता है, तो भाई हर बाइक में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज ज़रूर होता है। इस बाइक का जो सबसे पहला आपको डिसएडवांटेज मिल जाएगा ना गाइस, वो है बाइक का माइलेज। देखिए मुझे लगता है दोस्तों कि जो ड्यूक 250 है उसका जो माइलेज है ना वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि जहां तक दोस्तों मेरे सभी दोस्त हैं, आप लोगों ने मेरे व्लॉगिंग में भी देखा होगा, सभी के पास लगभग KTM ड्यूक 250 है, वो लोग यूज़ करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि भाई जो माइलेज है ना वो थोड़ा सा डाउन है। लगभग उन लोग बोलते हैं कि जब हम बाइक को थोड़ा सा भगाते हैं तो लगभग 28 के आसपास का माइलेज आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों माइलेज थोड़ा सा कम है, अबाउट 30-35 के आसपास अगर माइलेज मिल जाए ड्यूक 250 में तो काफ़ी बेटर हो जाएगी। वैसे ये इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि बाइक में पावर भी है। सेकेंड डिसएडवांटेज के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो है बाइक का हीटिंग इशू। अब आप लोगों को पता है दोस्तों KTM की
कोई भी बाइक हो उसमें थोड़ा सा हीटिंग इशू पाया जाता है, ठीक है, ये इनकी नस्ल के हिसाब से आप कह सकते हो। क्योंकि पहले जो BS4 बाइक आती थी ना, वहां से अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसमें दोस्तों इनका जो एग्जॉस्ट का जो पाइप होता था वो दोस्तों इंजन के बाजू से जाता था, लेकिन अभी जो बाइक आती है उस BS6 मॉडल, उसमें इंजन के नीचे से जाता है, तो इस वजह से बाइक का जो हीटिंग इशू है ना वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा हीटिंग इशू आपको बाइक में देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो है दोस्तों सर्विस कॉस्ट। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, KTM की जो सर्विस कॉस्ट है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगी है गाइस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई KTM की बाइक है, इसके पार्ट्स भी थोड़े से महंगे रहते हैं और इसमें जो इंजन ऑयल जलता है वो भी थोड़ा सा कॉस्टली है, इस वजह से तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि बाइक की जो सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव आपको बाइक में देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट डिसएडवांटेज में, वो है टॉप स्पीड। देखिए दोस्तों KTM की जो बाइक है ना, इनमें टॉप स्पीड आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इनमें ना पावर ज़्यादा होता है, ये ना शॉर्ट गियर की बाइक है, इनमें आपको इंस्टेंट पावर तो मिलेगा लेकिन टॉप स्पीड थोड़ी सी कम मिलती है। इसका रीज़न आप लोगों को यही है कि ये शॉर्ट गियर की बाइक है, जो लॉन्ग गियर की बाइक होती है ना उनमें टॉप स्पीड थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे डिपेंड करता है कि अब आप लोगों को ज़्यादा टॉप स्पीड चाहिए या कि इंस्टेंट पावर चाहिए। देखिए 90% ऐसे लोग होते हैं जिनको इंस्टेंट पावर ज़्यादा पसंद आता है कंपेयर टू टॉप स्पीड, क्योंकि टॉप स्पीड आप कभी कल भगाओगे, लेकिन अगर आपको फन टू राइड करना है तो फिर पिकअप की रोज़ ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक एडवांटेज आपको, सॉरी एक डिसएडवांटेज आपको ये मिलता है कि तो जो टॉप स्पीड है वो थोड़ी सी आपको कम मिलेगी KTM ड्यूक 250 में, KTM की किसी भी बाइक में आप कह सकते हो। सो दोस्तों ये था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो KTM ड्यूक 250 पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरी वीडियोज़ अपडेट रह सके। जय हिंद, वंदे मातरम।